हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज अभी इवनिंग का टाइम है। बाय क्या आरू, बात तो करने दो मुझे थोड़ा सा। तो आज शाम टाइम की मैं रूटीन आप तक शेयर करने वाली हूँ। प्लीज आरू, तू कितना परेशान करी, बात नहीं करने तेरी। तो मैं अभी आई थी कपड़े वगैरह लेके, फोल्ड कर लिया, मैं नीचे लेके चल रही हूँ। तो मेरा वीडियो जो कल वाला है, प्लीज़ आप लोग जाके इसको चेकआउट करें, और वीडियो बहुत अच्छा था, आपको मज़ा आएगा। फिलहाल मैंने मंदिर के बारे में कुछ जो सारी डिटेल कुछ दी है ना, तो आपको शायद आपको मतलब जिनको नहीं पता होगा वो भी जान जाएंगे, तो इस वजह से। और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहन रखी है। तो चलिए इवनिंग टाइम का आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अभी भगवान जी को मुझे कपड़े वगैरह भी पहनाना है, और क्योंकि पूजा तो करना नहीं है, 13वीं मंगलवार को है, तो उस दिन मैं करूँगी। उस दिन से मतलब उस दिन के बाद बुधवार से हम लोग पूजा वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए सीधे नीचे, फिर वहीं में मिलते हैं आप लोग से। और छत मेरा ना बहुत साफ साफ हो गया एकदम, मैंने जो अच्छे से क्लीन किया था ना वो अच्छे से साफ हो चुका है। तो चलिए नीचे, आरू चले नीचे, एक मिनट कपड़े ले लूँ, इतने सारे कपड़े हैं अभी। और शाम हो चुके हैं, देख रहे हैं अंधेरा होने वाला है, सूर्य भगवान भी जा चुके हैं बाय बाय बोल के। और अभी यहाँ पे गेहूं वगैरह रखा है, उसको धुलना उलना है, बहुत सारे काम। बेटा हम ले चल रहे हैं, आप रहने दो, चलिए सीधे। आज की चाय मेरी भांजी मिस कृतिका जी बना रही हैं, ये देखो। तो शाम की चाय आप लोग को भी पीना हो तो आ जाइए। अदरक वगैरह यहाँ पे ये रखी है, और ये देखो इनकी चाय पक रही है। चाय में पता नहीं कुछ पड़ा है मीठा उठा, बाद में बताएंगे कि क्या डाली है। कृतिका क्या क्या डाली हो? चाय पत्ती डाले हैं, दूध डाले हैं, चीनी डाले, पानी डाले हैं, दो ग्लास पानी। अच्छा चलो भी पी के बताना, मतलब पी के हम लोग बताएंगे तुम्हारी चाय कैसी बनी। एक ग्लास दूध डाले हैं। और अभी किचन की कुछ हालत ऐसे है, अभी मुझे और सफाई करनी है। देखो कितनी मैसी पड़ी है मेरी किचन, देख रहे ना। तो चलते हैं अभी इसकी भी क्लीनिंग वगैरह करते हैं। पहले तो इनकी कृतिका की चाय पी लेते, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। और इसका मैं बताती हूँ कि कृतिका ने चाय कैसे बनाई है, ठीक है, पीने के बाद। और पुताने भी हैं यहाँ पे, मतलब भाई बहन मिलके एक लोग तो फैला रहे हैं। ये देखो, इधर देखो इनको, इनको इनको देखो कितना फैला रहे हैं ये। कैका पापा, पापा पापा, ये देखो बॉटल वॉटल सब फेंके हैं इधर से उधर। ये अभी बर्तन भी एक एक निकालेंगे। इधर सुनो पापा पापा मम्मा, ये बहुत बिजी हैं, ये सुनेंगे ही नहीं फिलहाल। का चाय लेके आओ तब कृतिका, तब पी के तब साध्या की, सॉरी कृतिका की चाय बन चुकी है और आ चुकी है, ये देखिए। और बहुत स्पेशल चाय है, पहली बार कृतिका के हाथ से हम जा रहे चाय पीने, अभी पीने के बाद बताते हैं आप लोग को। और ये देखिए चाय को अच्छे से उन्होंने पकाया भी है बहुत बढ़िया से, और ये एकदम मस्त है, मस्त मोहल्ला एकदम खेल रहे हैं। तो चाय पीने के बाद बताते हैं। रात हो गया तो चाय बहुत अच्छी बनाया, थैंक यू सो मच बनाने के लिए, और इधर आओ, वेल डन कृतिका ने बहुत अच्छी चाय बनाई है। आप लोग भी पीते अगर तो आप लोग भी बोलते कि बहुत अच्छी चाय बनी है, चीनी एकदम कम, अदरक ज्यादा, दूध चाय पत्ती तो एकदम फिट, बहुत अच्छी चाय बनाई है। मम्मी ने चाय पी लेते चम्मच, तो एक चम्मच डाला था मम्मी, उसकी वजह से आधा चम्मच चीनी और एक चम्मच डाला था, तभी तो इतनी अच्छी बनी है चाय। तो चलिए चाय पीने के बाद मिलते हैं आप लोग से। बाद में यहाँ पे सेम जो है ना, इसको बिछाना भी पड़ता है, टाइम तो लगता है लेकिन खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो विटामिन हो, आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ आराम से एकदम रिलैक्स होके, और क्योंकि इसमें टाइम भी जाता है। तो यहाँ पे कार्तिक कृतिका और दीदी मैं हम लोग बात भी कर रहे थे, और आपने मतलब सब्जी वगैरह भी कट कर रहे थे, क्योंकि बातों बात में काम भी जल्दी हो जाता, पता ही नहीं चलता। एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और उसके बाद मैं सीधे किचन में आ चुकी हूँ, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल सी सब्जी, सेम की सब्जी से क्या होता है कि आपको आयरन तो मिलता ही है, इसमें बहुत सारी ऐसे विटामिन होते हैं जो आपके बॉडी प्रॉपरली आपको चाहिए ही। अगर आपके पास मतलब हर सीज़न में तो नहीं मिलता है ना, हर सीज़न वाइज भी सब्जी का एक अलग अलग होता है ना, तो सेम की सब्ज़ी खाने से बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो जो ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ होती है ना, वही ज़्यादा मतलब यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वही मैंने लहसुन प्याज वगैरह अदरक थोड़ा सा डाला था, हरी मिर्च वगैरह डाल के बस सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि पापा को आप लोग को पता है मसाले वाली सब्ज़ी बहुत कम पसंद है।
और उसके बाद मुझे दाल भी बनानी है, तो सिंपल सी दाल बनेगी और सेम की सब्ज़ी। सेम की सब्ज़ी जो नहीं खाते हैं उनके, मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी खाइए सेम की सब्ज़ी, में बहुत सारी विटामिन ऐसी होती हैं। अगर आपको हमसे मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे बताने, गूगल या यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है ये सेम की सब्ज़ी। और इसको सब मतलब कई तरीके से बनती है, एक बार मसाला आप भी बना सकते हैं, सिंपल सब्ज़ी बना सकते हैं। और हम लोग सेम की सब्ज़ी एक मतलब साज के बनाते हैं, मतलब सरसों वगैरह डाल के, वो भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो जो नहीं खाते प्लीज़ एक बार इसको खाइएगा, एक बार खाएंगे तो आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैं यहाँ इस पर रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही एक्चुअली, क्योंकि ना बहुत सारी बहुत सिंपल सी मैं बना रही हूँ, तो बस वही प्रॉपर जो मसाले पड़ते हैं ना वही सब मसाले क्या कहेंगे, वही मतलब लहसुन प्याज वगैरह वो डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने दाल धुल लिया है, अरहर की दाल, और मैंने वीडियो बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है। प्लीज़ गाइज आप लोग सपोर्ट करें मेरे चैनल को और अपना प्यार मुझे देते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी फैमिली भी आप लोग बढ़ाएँ, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रही हूँ ना उतने हिसाब से यहाँ पे वो नहीं आ रहे हैं, मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रहें। और यहाँ पे दाल मेरी हो जाएगी। और एक चीज़ और है कि आप लोग को पूछ रहा था कि मतलब आपको गुस्सा वगैरह क्या हुआ, तो गुस्सा का मेन कारण ये था कि मतलब ये कहीं जाते ना तो अधिकतर पता नहीं क्यों हो ही जाता है कि इनका कोई काम रहता है तो मेरे से, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ कि मतलब मेरे अच्छे से हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ कमी ही रह जाती है। शायद मेरे में कमी है या इनके में कमी है, भगवान जाने। बस ये कपड़े के लिए थोड़ी सी लड़ाई वगैरह हो गई थी मतलब हस्बैंड से मेरी, लेकिन अब ठीक है, सब नॉर्मल है, क्योंकि मतलब बहुत बड़ी वैसे लड़ाई तो नहीं हुई थी, लेकिन जब ना बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है तो बहुत, इतना पेशेंस रखने के बावजूद अगर कुछ ऐसे होता है ना तो बहुत ज़्यादा वो रखता है, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, तो मुझे बस ये रोना होना ज़्यादा आता है। चलिए ये तो सब चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह फ्राई कर दी, अभी मैं आप लोग को दिखाती भी हूँ कैसी मेरी सब्ज़ी बनी हुई है फ़िलहाल। और मैंने वीडियो एकदम नॉर्मली लोग देख सकते हैं, सेम की सब्ज़ी ऐसे भी नॉर्मल बना सकते हैं, इसलिए इसमें मैंने आयरन वाली उसमें डाला हुआ है, क्योंकि इसमें तो आयरन मिलेगा ही बहुत ज़्यादा। और इसका सब्ज़ी आप देख रहे हैं अभी इसमें ग्रीन ग्रीन है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आप सब्ज़ी में देखें तो ग्रीन वाला ख़त्म हो जाएगा। और ये लोहे की सब्ज़ी मतलब कढ़ाई में बनाने का जो सब्ज़ी का स्वाद होता है बहुत अच्छा आता है, वैसे एक्चुअली बनाना ही चाहिए सेम उनकी सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मेरी हो जाएगी, नमक वगैरह मैंने डाल दिया है, बिल्कुल भी मसाले का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, मैंने हल्दी वगैरह डाली थी ना तो बस उसको मैं ऊपर रख दूँगी, और जो क्योंकि मेरा काम हो ही चुका है। और मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी है, आज सब्ज़ी वगैरह फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना महा वाला सिस्टम था ना वो हो चुका है, और दूध भी गर्म हो गया, मैंने रख दिया है किचन में, और मेरी सब्ज़ी दाल इधर होती रहेगी। आटा वगैरह मैंने गूंथ के रख दिया है, फटाफट वाले काम है ना, जल्दी जल्दी निपटा ले गई। और आज ठंडी ठंडी इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंडी बढ़ भी गई है बहुत ज़्यादा। और पता है मैंने सॉस कप्स भी डाल दिया, ये देखिए कि ठंडी नहीं लगा। यहाँ पर मैंने बोरा डाल दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर जो पावदान डालती थी ना तो सारा गीला हो जाता था, ख़राब हो जाता था, और इसको मैं इसलिए डालती हूँ, इसको पैर भी रखने आराम से और ये सूख भी जाता है, और दोपहर में इसको मैं धुल के डाल देती हूँ। तो अभी पानी मेरे आलू का ख़त्म हो चुका था, तो बस वही मैंने अभी ऑन किया है जस्ट, और थोड़ा सा वीडियो मैंने इवनिंग से स्टार्ट तो किया है। और आज मैं बना रही हूँ वही वाली सेम वाली सब्ज़ी, सेम सबको पसंद होगी कि नहीं पसंद होगी इतना तो मुझे नहीं पता, क्या हमारे घर पर सबको पसंद है, सब खाते भी हैं, तो इसको एक बार मैं पहले चला देती हूँ, ये पकड़ डाले देखिए। और हस्बैंड जी का टीचर का एग्ज़ाम है, तो वो लखनऊ अभी निकले थे थोड़ी देर पहले, तो दीदी के घर रहने वाले हैं। और इधर मेरी सब्ज़ी हो चुकी है तैयार, ये देखिए। आप लोग खाते हैं नहीं खाते सेम की सब्ज़ी जरूर मुझे बताइएगा, तो मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर बंद कर लेते हैं। और प्लीज़ गाइड वीडियो आप लोगों को कहीं भी इतना सा पसंद है ना लाइक ज़रूर करें, मेरी जो मेहनत है ना। और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप साड़ी पहन के मतलब ब्लॉगिंग करें, तो ना डेली तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी साड़ी पहन के ब्लॉगिंग वगैरह करूँ। तो आज का सिंपल सा खाना है, और यहाँ पे ये ना ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी है, इसमें और रखो ना आराम से, जितना भी तो आपको ज़रूरत है उतना ही ले सकते हैं ज़्यादा या कम करके। तो
तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। जिनके पास नहीं है एक बार आप लोग इसको खरीदे, आपके लिए बेहतरीन ही होगा, अच्छा बहुत है। और ये मैंने मीशो से ही लिया था, ये देखिए, सॉरी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, मीशो से ही मैंने एक दो कपड़े भी मंगाए, मैं आपका शेयर भी करूंगी। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोग से।